हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वीनस क्रिकेट ट्रेडर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो क्रिकेट का सीजन स्टार्ट होने जा रहा है। अगस्त के बाद ऐसा टाइम रहेगा कि आपको ना बिल्कुल भी समय नहीं मिलेगा। अगर आप बहुत ज्यादा इसके एडिक्टेड हैं तो फिर तो आपके लिए बहुत ही बुरी बात है, पर जो लोग एडिक्टेड नहीं है उनके लिए भी थोड़ा सा है कि भाई ज्यादा मैचेस मिलेंगे, समय निकालना होगा, टफ रहेगा आने वाला टाइम। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि खराब रहेगा, बट समय को निकाल पाना एक वो दिक्कत रहेगी आपके साथ। तो खैर, आज हम बात करने जा रहे हैं, लंका प्रीमियर लीग का प्रीव्यू करेंगे, इसके सारे स्क्वाड्स का एनालिसिस भी करेंगे और ये भी प्रेडिक्शन करेंगे कि इसका ये सीजन ट्रेडर्स के लिए कैसा जाने वाला है। तो बिना समय गवाए बढ़ते हैं आगे। पहले बता दूं, 2020 में ये स्टार्ट हुआ था। 20 का सीजन ट्रेडर फ्रेंडली हुआ था, 21 का सीजन ट्रेडर फ्रेंडली हुआ था, 22 का ट्रेडर फ्रेंडली नहीं हुआ और बहुत ज्यादा घपला हमें देखने मिला था। इस बार कैसा होगा, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बताऊं तो ये मैच इस बार आपको स्टार स्पोर्ट्स और हॉटस्टार पे लाइव देखने मिलेगा। पहले आपको ये मिलता था सोनी लिव और सोनी लिव की ऐप पे, सोनी सिक्स चैनल और सोनी लिव की ऐप। इस बार आप इसको स्टार स्पोर्ट्स और हॉटस्टार पे देख पाएंगे। अगली बात आती है वेन्यूज की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और श्रीलंका कुछ उन वेन्यू में से एक है जहां पिच का बहुत इंपैक्ट रहता है। इंडिया में उतना इंपैक्ट नहीं रहता, आप देखोगे, क्योंकि जैसे आपने आईपीएल देखा होगा, मैक्सिमम मैचेस में अच्छे स्कोर बनते थे। एक लखनऊ को छोड़ दें तो ऐसा लगा नहीं कि पिच कहीं पर अनप्लेबल रही हो। श्रीलंका उन कंट्री में से एक है जहां पर पिच का बहुत रोल रहता है। दो ग्राउंड में मैच है आपको, एक मिलेगा कोलंबो आर प्रेमदासा स्टेडियम, ये आपको मिलेगा अच्छे टर्निंग ट्रैक्स के लिए जाना जाता है, यहाँ पर बॉल टर्न काफी हो जाता है। ऑब्वियसली बात है उस दिन पिच कैसा बना है वो मैटर करता है, पर जो ट्रेडिशनली इसकी हिस्ट्री रही है मैं आपको वो बता रहा हूँ। पाले के लिए जो है वो बैटिंग ट्रैक गिना जाता है, अच्छा बैटिंग ट्रैक माना जाता है। अब बात करते हैं सीरीज टीम का प्रीव्यू करना स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो सबसे पहली टीम है बी लव कैंडी वॉरियर्स, सॉरी पहले इसका नाम कैंडी वॉरियर्स था, अब इसका नाम इन्होंने करके दिया है बी लव। शायद इसका मतलब बुकी लव भी हो सकता है मैं डिकोड कर रहा हूं। तो खैर, मैंने अपने हिसाब से पहली 11 लगाई है, बाकी बात करेंगे बाद में। तो मेरी टीम में फकर जमान मोहम्मद हारिस ओपनिंग करेंगे। फकर जमान तो आप सभी जानते हो अच्छे प्लेयर हैं, और एक इंटरनेशनल प्लेयर जब इस तरह के लेवल पे खेलने आता है तो उसकी एक वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि उसको थोड़ा सा इजी टूर्नामेंट खेलने मिल रहा है। सेकंड पे मैंने रखा है मोहम्मद हारिस को, मोहम्मद हारिस जो आपने पेशावर जाली में देखे और पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप में भी खेले थे। और अगर आपको अच्छे से याद हो तो जब मोहम्मद हारिस ने टीम में उनको सिलेक्शन हुआ तब पाकिस्तान टीम का जो किस्मत था वो बदलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एक अलग तरह से खेलता है बंदा। जनरली हमारे एशिया में इस तरह के बैट्समैन खेलते नहीं है कि फ्रॉम बॉल वन मारना स्टार्ट करते, और ऐसा नहीं है कि मैड हिटर है, इसकी जो शॉर्ट सिलेक्शन है वो अच्छे हैं, ये बंदा आगे चल के एक्सेल करेगा। तीन पे मैंने रखा है दिनेश चांडीमल को, इसको प्यार से मैं रंडी मैन बुलाता हूँ वैसे, क्योंकि मेरे लिए थोड़ा मनोज टाइप का खिलाड़ी था ये। तो चार पे एंजेलो मैथ्यूज। अब चंडीमल पहले बहुत टुक टुक टाइप प्लेयर थे, लेकिन पिछले कुछ सालों से इन्होंने अपना गेम इंप्रूव किया है। मैथ्यूज मुझे पसंद नहीं है, बट भैया श्रीलंका की लीग है तो देखो आपको खेलना उनको है ही। पांच में रखा है कमिंदु मेंडिस को, ये बंदा अच्छी पॉजिटिव बैटिंग करता है, और इसकी खास बात ये कि ये ऐसा बॉलर है जो लेफ्ट आर्म और राइट आर्म दोनों से स्पिन बॉलिंग कर लेता है। छह पे रखा है मैंने आसिफ अली को, आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान वाले भाई साहब कम चलते हैं लेकिन नंबर छह के हिसाब से ये अच्छे प्लेयर हैं, आके मैच को चेंज कर सकते हैं। सात मैंने रखा है चतुरंगा डिसिल्वा को, जो एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेते हैं और बॉलिंग अच्छी करते हैं। आठ पे आते हैं हसरंगा, नौ पे आते हैं उड़ाना, दस पे आते हैं जमीरा, ग्यारह पे आते हैं मुजीब। ये इनकी स्ट्रेंथ है, हसरंगा बॉलिंग बैटिंग दोनों कर लेंगे और दोनों से मैच निकाल सकते हैं। उड़ाना बॉलिंग बैटिंग दोनों कर लेते हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर है। चमीरा अब देखना पड़ेगा कितने फिट हैं, बट बहुत ही शानदार बॉलर हैं जब फिट होते हैं तो, और ये बल्ला भी बजा लेते हैं। और 11 पे रखा है मैंने मुजीबुर रहमान को, ये मेरी टीम है। अब नंबर 12 पे आते हैं सुरेश रैना। सुरेश रैना को मैंने टीम में नहीं लिया है, मेरे एक टाइम में वो फेवरेट प्लेयर हुआ करते थे, अब मैंने उनको टीम में इसलिए नहीं लिया है क्योंकि जितने भी प्लेयर आप देख रहे हैं टीम में वो सब करंट में क्रिकेट खेल रहे हैं, बेशक डोमेस्टिक खेल रहे हैं, बेशक लीग्स खेल रहे हैं, सुरेश रैना कहीं भी नहीं खेल रहे इस समय। तो
अगर वो टीम में आते हैं और वो अच्छा परफॉर्म करते हैं, मुझे गलत साबित करते हैं, तो मुझे खुशी होगी। एज एन इंडियन मैं खुश होऊंगा, लेकिन मेरिट पे देखूं तो मुझे जगह भी बनती हुई नहीं दिखाई देती। ये मैंने कहा। बाकी आप ये भी कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी हसरंगा और चतुरंगा डिसेलवा दो स्पिनर हैं, आप मुजीब को ड्रॉप करके रैना को खिला भी सकते हो, उसमें कोई बुराई भी नहीं है। बाकी एशियन भंडारा प्लेयर टुक टुक प्लेयर है, ये मुझे इतना पसंद नहीं, फील्डिंग अच्छी करता है बस। डवारे डवारे भी अच्छा प्लेयर है, पर इसके मौका इस टीम में शायद मिल नहीं पाएगा, डेफिनेटली बात है। अविष्का थरांडू, इसको मैं जानता नहीं हूँ। आमिर जमाल, ये आपका पेशावर वाला ऑलराउंडर है ये, और ये अच्छी बॉलिंग बैटिंग करता है, हिटिंग भी करता है, बॉलिंग भी करता है, दोनों काम कर लेता है, पर जगह बनेगी नहीं फिर से मेरे ख्याल से इसकी। अर्चिक, ये अभी आपने देखा होगा, यहाँ भी खेला था आपका, जो क्वालिफायर हुए थे, ठीक ठाक प्लेयर है। मधुशंका, ये भी ठीक ठाक प्लेयर में काउंट में उसको करूंगा, कोई खास नहीं। सेम अबाउट प्रणव इताना, अभय रत्ने, नुवान प्रदीप, फिर आपका मोहम्मद हसनैन। मोहम्मद हसनैन एक प्लेयर है जिसको आप शायद टीम में देखें, लेकिन वही वाली बात है, किसकी जगह वो टीम में आएंगे, क्योंकि इनकी बॉलिंग डिपार्टमेंट ऑलरेडी स्ट्रांग है, तो शायद जगह नहीं बनेगी। ऑल इन ऑल मैं कहूँ तो ये ठीक टीम है। बात करते हैं कोलंबो स्ट्राइकर्स की, तो इसके कप्तान जो बनाए गए हैं बाबर आजम को। टॉप ऑर्डर इनका स्टाफ से है, बाबर आजम, निशांका, डिकवेला, तीनों ऊपर के प्लेयर हैं और तीनों अच्छा खेलते हैं। दिक्कत यह है कि डिकवेला को अगर मैं हटा दूं तो दोनों थोड़ा स्लो स्टार्टर्स हैं, ऐसे नहीं है जैसे मोहम्मद हैरिस, फकर जमन टाइप ना, ऐसे नहीं है। फिर लहिरू उडारा भी एक ठीक ठाक प्लेयर है। पांच पे आपको मिलते हैं इफ्तिकार अहमद, और इन्होंने लास्ट के कुछ समय में अपने गेम को बहुत अच्छा इंप्रूव किया है, एंड में जाके छक्के छक्के बजाते हैं, ये तगड़े हैं, तो वो एक स्टन जाता है इनके साथ। छह पे रखा है मोहम्मद नवाज को, दो एक्सपीरियंस प्लेयर आपको मिलते हैं, और सात पे आते हैं आपके चमिका करुणरत्ने, ये भी एक अच्छे बैटिंग करते हैं, फिनिश करते हैं गेम्स को, तो ये तीन आपको ऑप्शन अच्छे मिलते हैं। तो ये किसी भी टीम के लिए लग्जरी होता है, पांच छह सात पे ऐसे बैट्समैन होना जो गेम को फिनिश करते हो, और उसी डाउन के प्लेयर तो और भी अच्छी बात है। आठ पे वहाब रियाज, नौ पे पतिराना, 10 पे लक्षण संदगन, 11 पे रखा है जेफरी वेंडरशिपो। तो अगर आप बैटिंग देखें तो नंबर 8 तक आपको मिलती है, क्योंकि वहाब रियाज भी बैटिंग कर लेते हैं। उसके अलावा बॉलिंग देखें तो डेथ बॉलिंग देखें, वहाब रियाज, पथिराना, संदगन और वेंडरसी आपके दो स्पिनर आपको मिल जाते हैं। करुणारत्ने थोड़ी बहुत आपकी एक मीडियम पेस बॉलिंग करते हैं, पांच ऑप्शन आपको ये मिलता है, छठा आपको मिलता है मोहम्मद नवाज के रूप में, तो इनके पास बॉलिंग ऑप्शन भी ठीक ठाक हो जा रहे हैं। आप कुछ और प्लेयर हैं जिनकी चर्चा कर लेते हैं, जैसे लंका जी, इनको मैं जानता नहीं, लंका लगाएंगे या लंका खुद के लगाएंगे पता नहीं। निपुण धनंजय, इनको मैं नहीं जानता। विक्रमा सिंह नहीं जानता। एंजेलो परेटा ठीक ठाक प्लेयर है, अब इनका टाइम निकल गया, लेकिन जो टाइम था आज 10 साल पहले ना, तब ये इनको मौका मिलता तो कुछ प्लेयर होते, अब उतना नहीं। ईशान मलिंगा, मैं इनको नहीं जानता। रमेश पेंडिस एक बहुत ही अच्छे प्लेयर है, इनको टीम में अगर लाना चाहें तो ला सकते हैं, लक्षण संदकन या जेफरी वेंडर्स की जगह, ये बैटिंग भी कर लेते हैं और ऑफ भी शानदार करते हैं। मोविन सुबह सिंह का, इनको मैं नहीं जानता। लॉर्कन टकर शानदार प्लेयर, मेरे तो फेवरेट है भाई ये लॉर्कन टकर, और मैं तो कह ही रहा हूँ कि ये एक दिन आईपीएल भी आपको खेलता हुआ दिखाई देगा, बहुत जबरदस्त टैलेंट है। पूरे आयरलैंड की टीम में, पूरे स्कॉटलैंड, पूरे नेदरलैंड, जितनी भी टीम है ना एसोसिएट, उसमें सबसे तो शानदार प्लेयर है, पर इस टीम में यार जगह नहीं मिलेगी ना, आप किसको बाहर करोगे? आप बाबर आजम को बाहर नहीं कर सकते, आप इफ्तिकार या मोहम्मद नवाज को बाहर नहीं कर सकते, ठीक है, तो क्योंकि वहां आपको खिलाओगे नहीं, नंबर 5-6 पे आप टकर को नहीं खिलाओगे। तो उसके अलावा अंजुला को नहीं जानते। नसीम शाह, हाँ नसीम शाह एक प्लेयर है जिसको आप टीम में देख सकते हैं, लेकिन नसीम शाह को अगर आप लेते हो तो उससे आपका फायदा ये होता है कि आपको नई बॉल का बॉलर मिलता है, पर वहाब रियाज फिर हटता है, फिर बैटिंग वीक होती है, तो बैलेंस बनाना पड़ेगा इनको। एक प्लेयर और है धनंजय लक्षण, जो कि एक मीडियम पेस ऑलराउंडर है, तो वो भी शायद आपको देखने में मिल जाए। बात करते हैं अगली टीम की, जिसका नाम है जाफना किंग्स। और अगर आप ये टीम ना लास्ट शायद मेरे ख्याल तीनों बार ये जीती है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, क्या कमाल की टीम है भाई। और मुझे समझ नहीं आता कि लीग्स किस हिसाब से मैनेज करते हैं, कि कुछ टीम को बहुत स्ट्रांग बना देते हैं, कुछ टीम को वीक बना देते हैं। अब ये इतनी स्ट्रांग टीम है, आप देखो टॉप पे स्टार्ट होता है इनका क्रिस लिनो, रहमान अल्लाह गुरबाज इनके ओपनर होंगे, दोनों शानदार हैं ओपनिंग के हिसाब से देखें आप। तो तीन पे आते हैं चरित असलंका, माई फेवरेट प्लेयर, मैं इसको हमेशा बैक करता हूँ, मुझे ये बहुत ही पसंद है, ये प्लेयर भी आपको एक दिन आईपीएल में खेलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो रेंज है ना इसके पास, प्रॉपर लेफ्ट आर्म, लेफ्ट हैंड बैट्समैन का स्विंग जो है उसके पास है। चार पे शोएब मलिक,
इतना एक्सपीरियंस हो चुका है भाई, दाई माँ है यहाँ की है एक तरह से, ठीक है। इतनी लीग्स खेल चुके हैं, दाई माँ बन चुके हैं। 5 पे 1.5 मिलियन अपने करियर के शानदार फेज में हैं और शानदार तरह से मैच फिनिश करते हैं। सेम अबाउट थिसारा परेरा, बॉलिंग बैटिंग दोनों से मैच विनर है, कप्तानी भी अच्छी करते हैं। और मेरे को समझ नहीं आया इन्होंने संन्यास क्यों लिया जल्दी, क्योंकि अगर ये खेलते तो लंका को और अपनी अच्छी सर्विस दे सकते थे, ये बहुत अच्छी फॉर्म में थे। आई डोंट नो व्हाई, मतलब उन्होंने क्यों ऐसा संन्यास लिया इतनी जल्दी, मेरे समझ से बाहर है। विजयकांत व्यासनाथ एक और अच्छे प्लेयर हैं जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, स्पिन बहुत अच्छी करते हैं, ये बंदा बॉलिंग से मैच निकाल सकता है। दुनित विलालगे बैटिंग बॉलिंग दोनों करता है, आपने इसकी बैटिंग देखी होगी अफगानिस्तान के साथ, श्रीलंका के साथ मिलकर इसने बैटिंग से मैच जिताया और बॉलिंग भी शानदार करता है, अंडर 19 का शायद प्लेयर है। महेश थिक्षणा, इसके बारे में तो मुझे आपको कुछ कहना ही नहीं है। मधुशंका, ये भी फ्यूचर टैलेंट है, लेफ्ट आर्म बॉलर है, जहीद खान टाइप का बॉल, इन स्विंग आउट स्विंग दोनों कराता है, पेस भी अच्छा है इसके पास। और 11 पे तुषारा, अब देखो ना आप कितनी स्ट्रॉन्ग टीम इनको बना के दी गई है, इनके पास ओपनर भी है, इनके पास 3-4 पे प्रॉपर प्लेयर भी हैं जो खेलने वाले हैं, 5-6 पे इनके पास हिटर फिनिशर भी हैं इनके पास, बॉलिंग में इनके पास एक वेलाल्गे हो गए लेफ्ट आर्म स्पिनर, फिर आपको व्यासनाथ मिलता है लेग स्पिनर राइट आर्म, फिर आपको थिक्षणा मिलता है मिस्ट्री बॉलर, फिर आपको मधुशंका तुषारा दो डेथ बॉलर मिलते हैं, मधुशंकर शुरू में भी अच्छी बॉलिंग करते हैं। भाई क्या चैंपियन टीम बना के दिए इनको, ये खुद से हारना चाहे तो हार जाए, इसको हराना बाकी टीम्स के लिए बहुत मुश्किल रहेगा। उसके अलावा कुछ और बात करें, एशियन रणडी का बताओ कैसे नाम है, हमारे यहाँ रणडी का बोल देगा ना साला गोली मार देगा आदमी किसी को, क्या नाम ही रखा हुआ ऐसा भाई, मेरे को मत बोलना रूट्यूब भाई साहब, इसका नाम मैं बस एज इट इज बोल रहा हूँ। अगला प्लेयर है निशान मधुशका, इसको मैं नहीं जानता, मथुन कुमारा को नहीं जानते, असिता फर्नांडो ठीक ठाक प्लेयर है, जगह नहीं मिलेगी इसकी बंदे की। हार्डस पिलियोन प्लेयर अच्छे हैं, बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, एक्सट्रीम पेस है, 140 से अबव डालते हैं, बट जगह कहाँ बनेगी, दिक्कत तो वही है। जमन खान, मैं चाहता हूं कि ये टीम में खेले, पाकिस्तान के प्लेयर हैं और मलिंगा टाइप का एक्शन है, लेकिन जगह बनाने के लिए आपको लिन गुरबाज मलिक मिलर में से किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा, और जब आपके पास पहले से बॉलर हैं सारे तो शायद इनकी जगह नहीं बन पाएगी, अदरवाइज किसी एक को ड्रॉप करके खिलाना चाहें तो अच्छी पिक है। मैं तो विलियन से पहले इनको पिक करूंगा, जमन खान को। थीशान विदुषण नहीं जानते, थिनोरत्नम नहीं जानते, बाकी किसी को नहीं जानते सिवाय असेला गुलारत्ने को। गुलारत्ने आज से 5 साल पहले मैच विनर थे, बॉलिंग बैटिंग दोनों करते थे, लेकिन अब थोड़ा सा बूढ़े हो गए। बात करते हैं गॉल की, पहले इसका नाम गॉल ग्लैडिएटर होता था, नाम सबकी चेंज कर दिया वैसे इन्होंने। तो मैंने स्क्रीन में रखा है शेवन डोनियल को ओपनिंग पे, शेवन डेनियल लास्ट टाइम मैंने देखा था बड़े अच्छे टच में लग रहे थे, फ्यूचर टैलेंट लग रहा है इस बंदे के अंदर। टिम साइफर्ट को मैंने नंबर 2 पे रखा है, न्यूजीलैंड के प्लेयर आप सब जानते हैं, अच्छा खेलते हैं ओपनिंग में आने के बाद। 3 पे शाकिब, शाकिब 3 पे हमेशा अच्छा खेलते आए हैं, चाहे वो जिस भी जगह जिस भी लीग में खेले हो। 4 पे मैंने रखा है मोहम्मद मिथुन को, बांग्लादेश के ये बैट्समैन विकेट कीपर है, ये भी अच्छे पिक हैं। 5 पे भानु का राजापक्षा, मेरे हिसाब से राजापक्षा से अच्छी स्पिन खेलने वाले प्लेयर दुनिया में बहुत कम है, बस इस बंदे में दिमाग की थोड़ी सी कमी है, ठीक है, मतलब इसको बस एक ही गियर आता है कि मारना मारना मारना, तो वो मेरे को समझ नहीं आता। बाकी नंबर 5 पे अगर आपको ऐसा प्लेयर मिले जो स्पिन अच्छी खेलता हो तो उससे अच्छी कोई बात नहीं है, और एक्सपीरियंस भी इनको हो चुका है। 6 पे दसुन शाना का, क्या जबरदस्त फिनिशर है भाई साहब दसुन शाना का। 7 पे मैंने रखा है बेन गड्डिंग को, अब ये यहाँ पे मुझसे गलती हो गई है, मेरे आप बेन गड्डिंग को नहीं खिला पाएंगे अगर आप मोहम्मद मिथुन को आपने खिलाया है तो, क्योंकि आप 4 ही खिला सकते हैं कॉर्नर, तो वो तो नहीं हो पाएगा, तो किसी और को देखना पड़ेगा। 8 पे सीयू के प्रसन्ना, प्रसन्ना भाई साहब जबरदस्त प्लेयर हैं, बॉलिंग से थोड़ा सा मार खा जाते हैं लेकिन बैटिंग से ये मैच निकाल देते हैं, इनको मैंने कई बार देखा है नीचे आ जाते हैं और मैच को पूरा बदल देते हैं। अकीदा धनंजिया एक और मिस्ट्री टाइप स्पिनर है, आपको गूगली ऑफ स्पिन फेंकता मिल जाएगा, इस बंदे का करियर शानदार होता अगर आईसीसी इसका करियर चौपट न करता इसके बॉलिंग एक्शन पे रिस्ट्रिक्शन लगा के। 10 पे लाहिरू कुमारा, फास्ट बॉलर है, इस समय अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, लंका के लिए इंटरनेशनल खेलते हैं तो मार खाते हैं समटाइम, लेकिन अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं इस समय और इस लेवल पे तो खेलते हुए मिल ही जाएंगे आपको। 11 पे आपको मिलते हैं कसुन राजी था, ये भी डेथ में खास तौर से मार खाएगा बंदा ये। अब आते हैं कुछ बात प्लेयर बाकी की, जैसे लसित क्रॉसपुल्ले, ये आपको अभी जो ए वाले मैच चल रहे हैं श्रीलंका के वहां खेलते हुए दिख रहे हैं, ठीक ठाक प्लेयर हैं, जगह नहीं मिलेगी मेरे ख्याल से। चैड बॉस न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं, मेरे ख्याल से ये कैंटरबरी के प्लेयर हैं, यहाँ नहीं चल पाएंगे भाई, अगर खेले भी तो चल नहीं पाएंगे, कोई मतलब नहीं है। इसके अलावा सूर्या बंदारा नहीं जानते, अशन प्रियंजन अच्छे प्लेयर हैं पर अब बूढ़े हो गए हैं।
आशा दत्ता पर इनकी बड़ी वैल्यू थी डोमेस्टिक में। दिनू शाह नहीं जानते, विनोद बनू का ओपनिंग करते हैं, ये इंटरनेशनल भी खेल चुके हैं, एक चॉइस हो सकते हैं, अगर ये चाहें तो शेवोन डेनियल की जगह खिला सकते हैं। उसके अलावा एक पिक और है जिस पर मतलब एक डिबेट हो सकता है, जैसे तबरे शमसी, मैंने शमसी को नहीं लिया। उसका कारण ये था कि मेरे पास ऑलरेडी सीकू के प्रसन्ना और धनंजिया जैसे बॉलर दो मिल गए हैं, तो मैंने बैटिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहा, और हाँ मेरे पास शाकिब भी तो है, तो इसलिए मैंने शमशी को टीम में नहीं रखा। बाकी इनको ले भी सकते हैं भाई, पर चार चार स्पिनर लेके आप टीम में क्या करोगे क्या, है ना। उसके अलावा विश्व फर्नांडो एक पेस बॉलिंग ऑप्शन आपको मिलता है, लेफ्ट आर्म बॉलर है, अच्छे बॉलर है, डेथ में मार खा जाएंगे। इनकी दिक्कत ये है डेथ में इनके पास बॉलिंग नहीं है। अविष्का परेरा नहीं जानते, फर्नांडो, मोहम्मद सिराज, ये एक प्लेयर है, ये मैंने इसको T10 में खेलते हुए देखा है, अच्छा बॉलर है, जगह नहीं बनी कीपर, बात हुई है, उतना अच्छा नहीं है कि जगह बन जाए। फाइनल टीम आते हैं दम्बुला ओरा, टीम के कप्तान है कुशल मेंडिस, टीम कुछ इस तरह से है, कुशल परेरा आप सब जानते हैं, एक और प्लेयर जिसके श्रीलंकन बोर्ड ने करियर को चौपट कर दिया, ये बहुत जबरदस्त टैलेंट था भाई साहब, पर बर्बाद हो गया करियर इसका। खैर अगर ये ओपनिंग खेलता है तो मैच अपने बलबूते बदलने की काबिलियत रखता है। उसके अलावा अविष्का फर्नांडो, ये आप सब जानते हैं, ओपनिंग में अच्छा खेलते हैं, टेक्निक भी इनकी अच्छी है, पॉजिटिव खेलते हैं, अच्छे प्लेयर हैं। कुशल मेंडिस एक और अच्छे प्लेयर हैं, इंटरनेशनल, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। डिसिल्वा के बारे में भी सेम बात है, आपको बताने की जरूरत नहीं है। समारा विक्रमा बहुत अच्छा प्लेयर है, ऊपर का प्लेयर है वैसे ही, अब देखते हैं जगह कैसे बनाते हैं इनकी। छह पे आते हैं एलेक्स रॉस को, मैंने टीम में लिया है, ये आपके ब्रिस्बेन हीट वाले हैं, हीट में है ना, एडिलेड में शायद कोई एक टीम में है। तो खैर ये मैंने रखा है कि ये अच्छी स्पिन खेलते हैं, स्वीप अच्छा मारते हैं। सात पे दुशान हेमंता, ये अभी आपको क्वालिफायर में खेलते हुए दिखे थे, अच्छी बॉलिंग करते हैं, वही गूगली टाइप जो मिस्ट्री स्पिनर होता है। आठ में रखा है नूर अहमद को, आपको बता दूं हेमंता और नूर अहमद बहुत अच्छी बैटिंग करते हैं, मैं ये बात कई बार बोलता रहा हूँ, नूर अहमद ये बहुत अच्छी बैटिंग करता है, इसको बस मौका देने की जरूरत है, अगर इसको ऊपर मौका दिया जाए तो ये बहुत अच्छी बैटिंग करता है, ये रशीद खान से बड़ा ऑलराउंडर बन सकता है, बनेगा आने वाले टाइम में, पता नहीं कौन सा कैप्टन उसकी एबिलिटी को पहचान के उसको मौके देगा। खैर नौ पे लूंगी एनगिडी, शानदार बॉलर भैया, इस लेवल पे तो बहुत ही शानदार बॉलिंग करेंगे। दस में रखा शाहनवाज दहानी को, ये भी PSL की एक और पैदाइश है, ये भी शानदार करेंगे। प्रमोद मधुसूदन, ये आप इनको देखा होगा जो फाइनल हुआ था एशिया कप का, शायद मैंने तो वैसे गई उसमें अगर मैं गलत नहीं हूं तो, इन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी उस टाइम पे। तो भैया इनकी बॉलिंग तो बहुत ही जबरदस्त है, क्योंकि आपको नूर अहमद, एनगिडी, दहानी, मधुसूदन और हेमंता पांच जेन्युइन विकेट टेकर आपको मिलते हैं टीम के अंदर। तो अगर इन्होंने 170 के आसपास उसको बनाया तो सामने वाली टीम की ना ये भैया उसको फंसा देंगे बहुत बड़े तरीके से। 12 पे है रविंदु फर्नांडो, इनको मैं नहीं जानता, हिडन कैरिक प्लेयर हैं बिग बैश वाले, सिडनी सिक्सर वाले, लेकिन यहाँ पे चल नहीं पाएंगे, ये दोनों तरह से पिटेंगे, बॉलिंग में पिटेंगे, बैटिंग में पिटेंगे। लेंगे इनको मैं नहीं जानता, जीरो सिंगे, वेड, मैथ्यू वेड एक पिक हो सकते हैं, लेकिन मैथ्यू वेड को आप खिलाओगे तो आप किसको ड्रॉप करोगे, आप तो दहानी को ड्रॉप करना होगा, एनडीडी को ड्रॉप करना होगा, और मोर ओवर बात यह कि आपको आपके टॉप ऑर्डर के प्लेयर ड्रॉप करने पड़ जाएंगे, आपको अविष्का फर्नांडो या कुशल मेंडिस या कुशल परेरा को ड्रॉप करना पड़ जाएगा, जो कि मुझे लगता नहीं कि करना चाहिए, और इस लीग में ना वेट चल भी नहीं पाएंगे, स्पिनर्स इनको खा जाएंगे। जेहान डेनियल इनको नहीं जानते, बनूरे फर्नांडो लेफ्ट आर्म, ये आपका फास्ट बॉलर है, अच्छा बॉलर है भाई ये तो, पर जगह बनेगी क्या कह नहीं सकते। सचिता जया थिलके नहीं जानते, प्रवीण जगमल लेफ्ट आर्म स्पिनर है भाई, ये अच्छी बॉलिंग करता है ये, पर जगह नहीं बनी क्योंकि ऑलरेडी इनके पास हो चुके हैं स्लॉट फिल। तो ये रहेंगी टीम। अच्छा गाइस, ये मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में पोस्ट कर दूंगा, आपसे रिक्वेस्ट है कि लिंक के थ्रू ही ज्वाइन करें, और अगर आपसे लिंक ज्वाइन ना हो तो सर्च करके मत आना, मुझे आप व्हाट्सएप करना, आई विल शेयर माई लिंक विद यू ऑन व्हाट्सएप, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप किसी फेक चैनल में ना पहुंच जाए। बात करते हैं फटाफट से टीम का एनालिसिस कर लेते हैं। तो जो कैंडी है ना, एक बार जाते हैं फिर से, हाँ इसका मिडिल ऑर्डर मेरे को थोड़ा सा हल्का लग रहा है, लाइन से देखो चंडीमल, मैथ्यूज, मेंडीज, आसिफ अली, मुझे इनमें से किसी भरोसा नहीं है कि अगर ये चेज कर रहे हैं 170 टाइप का स्कोर तो ये कैसे करेंगे, मुझे वो नहीं है। बाकी बॉलिंग इनकी अच्छी है और टॉप ऑर्डर इनका ठीक है, ये इनकी स्ट्रेंथ वीकनेस हो गई, बॉलिंग अच्छी है, टॉप ऑर्डर ठीक है, मिडिल ऑर्डर है, तो कोलैप्स टाइप की टीम ये लग रही है मेरे को, यानी कि बीच में मिडिल ऑर्डर में। कोलंबो, कोलंबो मेरे को बैलेंस साइड लगती है,
जो दिक्कत लग रही है कि उनकी नई बॉल की ऑप्शंस जो हैं वो थोड़े से लिमिटेड हैं। देखो अगर मैं फती राणा नई बॉल से बॉलिंग नहीं करता, संडे का नहीं करता, वेंटर से नहीं करता, वहाब रियाज भी नहीं करता, इनफैक्ट करुणरत्न ने भी नहीं करता है इनफैक्ट, तो इनको नसीम शाह को लाना पड़ेगा। अब जब ये नसीम शाह को लाएंगे तो उनकी डेथ बॉलिंग वीक हो जाएगी क्योंकि वहाब रियाज आपके पास से हट जाएगा। तो आई थिंक यहाँ इनको देखना पड़ेगा, ये इनका एक वीकनेस है। अगली बात करते हैं जाफना की, तो जाफना के बारे में कुछ नहीं कहना, जो परेरा वाली टीम है उसके सारे बेसिस कवर्ड हैं, फुल चैंपियन साइड है वो, फिर से आपको फाइनल में वो टीम खेलते हुए दिखनी चाहिए। गॉल बैटिंग जो है ना उसके पास बहुत डेप्थ है, बट थोड़ी फ्रजाइल लगती है मेरे को, जैसे कैंडी की टीम है ना ऐसे कोलैप्स प्रोन टीम लगती है, क्योंकि देखो मिडिल ऑर्डर में आप आ जाओ तो ना मुझे शाकिब शाकिब वैसे अच्छा बैट्समैन है, लेकिन फंसते हैं ये सब बैट्समैन, ये प्योर T20 के बैट्समैन नहीं है, जैसे मोहम्मद मिथुन, राजापक्षा तो पागल उतरे मारता है, शना का एक बैट्समैन ले जाता है बस, कटिंग भी खिलाते हैं तो वो फंसेगा स्पिन के आगे, तो ये भी टीम एक मेरे को कोलैप्स वाली टीम लगती है। दामबुला पांचवी टीम जो एक मैंने आपको बताया अभी पहली, कि उनकी बॉलिंग साइड बहुत ही बढ़िया है, एनगिडी है, दहानी है, नूर अहमद है, तो भैया बहुत अच्छी बॉलिंग साइड है, बट चेजिंग साइड ये अच्छी नहीं है, इनका सिलेक्शन थोड़ा हॉरेबल है, इनको प्लेयर अच्छे से उन्होंने लिए नहीं है, सारे टॉप ऑर्डर के प्लेयर पढ़ लिए और जो फॉरनर प्लेयर लिए ना वो भी टॉप ऑर्डर के पढ़ लिए, तो ये गलती इन्होंने की है। तो मुझे इन पांच टीम में, आप पांच टीम में क्या प्रेडिक्शन दें आपको, चार जो मुझे लग रही है वो कैंडी, कोलंबो, जाफना, दामबुला, ये चार टीम मेरे को लग रही है, गोर मुझे लगता है कि बाहर हो जाएगी, ऐसा मुझे लगता है। बात करते हैं मेरी एक्सपेक्टेशन की लंका प्रीमियर लीग से, लास्ट ईयर ये अच्छा नहीं हुआ था बट मुझे इस साल इसके अच्छा होने की उम्मीद है, क्योंकि जो स्क्वाड्स हैं, जो प्लेइंग 11 है ना, वो कंपेरेटिव है, वो बैलेंस्ड है काफी ज्यादा, और मुझे ये भी लगता है कि क्योंकि इसकी जो शुरुआत है वो हो रही है 100 के साथ, 30 तारीख से ये है, 1 तारीख से 100 स्टार्ट हो रही है मेंस और वुमेन्स, तो अगर ये बोरिंग मैच कराएंगे, पंटर फ्रेंडली मैच नहीं कराएंगे तो पंटर यहाँ से भाग जाएगा, तो इनको अच्छे मैच इस बार कराने पड़ेंगे। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड गुड लक।